के सभी किसानों को कॉटन गुरु का सादर नमन। 2023 का वर्ष शुरू हो चुका है, हम जनवरी महीने में हैं, तो इस महीने तक काफ़ी किसानों ने और खास करके छोटे छोटे किसानों ने भी इस वर्ष कपास को संभाल के रखा है। इसी उम्मीद में कि हमें अच्छे भाव मिलेंगे, 10,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे, गुजरात में 2,000 रुपये के ऊपर प्रति मण मिलेंगे। अच्छी बात है, अगर मिलते हैं बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामना आपके साथ में है। पर जब तक आप बेचते नहीं हैं तब तक इस कपास को संभालना और इस कपास को बचाना ये बहुत ज़रूरी है। बचाना क्यों मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे पहचान वाले किसान के घर में आग लग गई। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं भी अभी ठंडी के दिन हैं, आप कहीं आग जला रहे हैं, रात को फायर लगा रहे हैं, तो उससे ध्यान रखें कि कपास दूर हो। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट उस रूम में चालू ना हो जिस रूम में आपने अपने घर में कपास रखा है। कोई भी लूज वायर कपास के आसपास ना हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से भी बहुत सारी जगह आग लगी है और इसका इंश्योरेंस मुआवजा भी आपको नहीं मिलेगा, इस बात की आपको जानकारी हम दे रहे हैं। दूसरा है कि कपास में कीड़े ना हो और कपास में ज़्यादा नमी ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर हम ऐसा कपास रखेंगे तो उस कपास का ग्रेड खराब हो जाएगा। तो ऐसा कपास चुन दें, उसको अलग कर दें, उसको पहले बेच दें, और जब आपको कपास बेचना हो तब अच्छी गुणवत्ता का कपास आप अगर बेचते हैं तो ज़रूर आप जो सोच रहे हैं वो भाव, अच्छे भाव आपको मिल सकते हैं। नहीं तो उस दिन के जो अच्छे बाजार भाव है उसमें से सबसे ऊँचे भाव आपको मिल सकते हैं। यही शुभकामना के साथ हम ये संदेश आपको दे रहे हैं। तो ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन की तरफ से प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेटर मनीष डागा का आप सभी को सादर नमन और शुभ मंगल कामना।